गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंग्लिश विद रोहित। इस चैनल पर हम आपके लिए लाते हैं मोटिवेशनल, एजुकेशनल एंड इंग्लिश लर्निंग वीडियोस। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ये बताना बिल्कुल न भूलें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंग्लिश विद रोहित। और आज हम सीखने वाले हैं एडवांस यूज ऑफ शैल एंड शुड। तो क्या है ये एडवांस यूज ऑफ शैल एंड शुड, आइए शुरू करते हैं। देखिए, कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसके अंत में आपको लू, दू, करूं, करें जैसे शब्द दिखाई देते हैं, तो बच्चे कई बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि चाय ला दूं, खाना बना दूं, टेबल पे लगा दूं, तो इस तरह के सेंटेंस में आपको क्या करना है, शैल और शुड आप दोनों में से किसी भी एक मॉडल वर्ब का यूज कर सकते हैं। तो आइए कुछ सेंटेंस देखते हैं। क्या मैं अंदर आ जाऊं, शैल आई कम इन, शुड आई कम इन, आप दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। आप शैल भी यूज कर सकते हैं और शुड भी यूज कर सकते हैं। ऐसे सेंटेंस में ज्यादातर हमें एक सजेशन या परमिशन की सेंस नजर आती है, यानी कि या तो हम किसी से सजेशन मांग रहे होते हैं या परमिशन मांग रहे होते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस में आपको शैल और शुड का यूज करना है। क्या मेरा भाई भी अंदर आ जाए, यहाँ पे देखिए जाऊं और यहाँ पे जाए, यानी कि ए की मात्रा, उ की मात्रा, अंक की बिंदी के साथ, ये उ की मात्रा, ये ए की मात्रा। तो क्या मेरा भाई भी अंदर आ जाए, शैल माई ब्रदर ऑल्सो कम इन, या फिर शुड माई ब्रदर ऑल्सो कम इन। ठीक है, नेक्स्ट, क्या मैं उसे भी बता दूं, शैल आई टेल हर ऑल्सो, या फिर शुड आई टेल हर ऑल्सो। क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं, शैल आई अकंपनी यू, या फिर शुड आई ऑल्सो अकंपनी यू। अब मैं क्या करूं, व्हाट शैल आई डू नाउ, या फिर आप यहां पे शुड का भी प्रयोग कर सकते हैं, व्हाट शुड आई डू नाउ। अब मैं नहा लूं, शैल आई टेक बाथ नाउ, और शुड आई टेक बाथ नाउ। तो हमने क्या करा, हमने लू, दू, करूं, करें जैसे सेंटेंसेस में शैल और शुड का यूज करा। जैसे कि क्या मैं चाय बना दूं, क्या मैं खाना लगा दूं, क्या मैं आपकी मदद करूं, क्या मैं खाना लगा दूं। तो इस तरह के सेंटेंस जिसके लास्ट में, अंत में लू, दू, करूं, करें जैसे शब्दों और परमिशन या सजेशन की सेंस आती हो, आपको शैल और शुड का यूज करना है। बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। आपको थोड़े से सेंटेंस बनाकर इसकी प्रैक्टिस करनी है और उसे डेली यूज में यूज करना है ताकि आप अच्छे से सीख जाओ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नई एनर्जी, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सकें, और नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी ताकि हम और मेहनत करें और बेटर वीडियोस आपके लिए लाते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई एनर्जी और नए जोश के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।